Good morning, students. Today, our Rita Jain is going to explain you another practical of bio. First of all, we are going to study the Peptida binary fusion in amoeba. First of all, we must know what do you mean by binary fission. Binary fission. Fission का मतलब होता है breaking it into two parts. That is a fission. अब binary है तो two parts में divide हो रहा है. That is called the binary fission. अगर कोई organism two daughter cell में develop कर जाता है, that is called the binary fission. यहाँ पर हम उसी के बारे में study करेंगे through the slides. यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए बेटा, प्रिपेयर स्लाइड्स चाहिए बाइनरी फिजन की और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिससे कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्यू कर सकते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं पहले. ये ऑक्यूलर लेंस है जहां पर हम अपनी आई से फोकस बनाते हैं. बॉडी ट्यूब, ये आपकी यहाँ से लाइट रेज जाती है. यहाँ पे एक प्रिज्म होता है जो बेंड करती है, बेंड लाइट रेज को इंक्लाइन कर देती है और इन ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जाता है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग फोकल लेंथ के होते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये स्टेज होता है जहां पर हम स्लाइड को रखते हैं. पार्ट्स एडजस्टमेंट नॉब का काम होता है फोकस करना, साइड पर फोकस बनाना. ये लो पावर के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है. फाइन एडजस्टमेंट नॉब का काम होता है शार्प फोकस बनाना. लाइट सोर्स जो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है. और डायफ्रेगम का काम होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड फोकसिंग द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली. दिस इज अबाउट द माइक्रोस्कोप. नाउ binary fission is a method of asexual reproduction in which the two daughter cells are formed by duplicating its genetic material or DNA and they then divide into two part cytokinesis with each new organism receiving one copy of DNA. पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं और दो डॉटर सेल बन जाते हैं. जब हम स्लाइड देखते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है. देखिए माइक्रोस्कोप में ये स्लाइड लगाई है हम लोगों ने, ठीक है. इस पे फोकस बना रहे हैं. फोकस बनाने के बाद हमें कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा. क्या होता है अमीबा में, देखिए अमीबा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है आपका, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. ये इसकी सीरोपोडिया फीट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फूड वैक्यूल है. साइटोप्लाज्म के टू पार्ट होते हैं एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर, ठीक है. अब अमीबा कैसे डिवाइड करता है ये देखिए आप. पहले अमीबा का साइज इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, एनलार्ज इन साइज. न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होकर के सेपरेट होना शुरू हो गया है. फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है. न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद कंस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और ये न्यूक्लियस जो डिवाइड करता है इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन आ गई, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और क्या बन जाते हैं, टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं. तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है. तो बाइनरी फिजन क्या हुआ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन. क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होती है, जब स्लाइड को हम फोकस करते हैं हायर मैग्निफिकेशन के लिए तो फाइन एडजस्टमेंट नॉब का यूज करना चाहिए. स्लाइड शुड बी फर्स्ट फोकस्ड एट द लो मैग्निफिकेशन देन एट द हायर मैग्निफिकेशन.